अकबर भाई बोलते हैं आपको गिफ्ट क्या दूं, सरप्राइज क्या दूं? पानी खले कपड़े और सूट, एक जूती, एक बाजू भुजा। ठहर जा मदीने वाले जान वाले आ। इसके क्या है, कुत्ते मुक गए? गरम आंडे। बात ये है, मेरी शक्ल का बंदा मिल गया है। आपकी शक्ल का? हाँ। वो कहाँ से आ गया? सेम मेरे जैसा बंदा। चाय बिस्किट। इसलिए तो मैं रुक रही थी। छुपाई। वो पानी से रिल दिया। रिल दिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं स्नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला है अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। तो जी हमारा व्लॉग हो गया स्टार्ट, आपने रहना साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओए आ गई है, क्या बोल रही हो? अच्छा अस्सलाम वालेकुम करना है, करो। ऐसे बोला करो, अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, कैसे हैं आप सब? अच्छा आंटी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप कल क्या कर रहे हैं? आप आजकल क्या कर रहे हैं? वाजीवा वाजीवा, आप कौन हो? मैं शहजादी हूँ। शहजादी हो? किसकी? वो तुम्हारी। मेरी शहजादी हो? हाँ। उठो फिर, उठो 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 उठो। ये मेरी शहजादी को डेंट पड़ गए हैं। देखो आंखें सूजी हुई है। आप गिर गई थी ना? हाँ जी, ये गिर गई थी। कहाँ गिरी थी? रुको बताओ कहाँ गिरी थी? बताओ कहाँ गिरी थी? पौड़ी से। वो पौड़ी से रिड़दी आई। रिड़दी आई? कहती है सीढ़ियों से रिड़दी आई। अच्छा चोट लग गई फिर? हाँ जी। अच्छो, फिर दवाई लगाई? नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? मम्मी कहती है दवाई नहीं लगा। मम्मी कहती है दवाई नहीं लगाओ। हाँ। मम्मी तेरी को ना जूते लगेंगे अब। मारूं तेरी मम्मी को जूते? नहीं। क्या मारूं उसको? कुछ नहीं। कुछ नहीं मारूं? अच्छो वाह जी वाह, मैं मारता भी नहीं हूँ आपको पता तो है। और मेरी वो दूसरी आ गई, आ जा आ जा आ जा। ये आ गई है मेरी परी। वो कौन है? हाँ ये अब बताओ वो कौन है? वो कौन है बता, इधर इधर कैमरे में बताओ कौन है? शहजादी है। इधर आओ आप, इधर आओ, इधर आओ। हंसे जा रही हो, इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो ना, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। हाँ अब बताओ ये कौन है? शहजादी है। और ये कौन है? परी। परी। आप कौन हो? पली हो। हाँ। अच्छा फिर आप लोगों का झगड़ा कब होता है? हाँ अच्छा उधर उधर खड़ी हो जाओ, बस करो। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको ऐसे बच्चे दे जो साइलेंट भी ना हो, जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको ऐसे बच्चे दे जो बिल्कुल चुप्पी ना करे, सारा दिन आप लोगों को ना ऐसे माहौल बनाए रखे। मेरी हर वक्त आप लोगों के लिए दुआ है, बे औलादों के लिए। तो बस बस बस, अच्छा बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। मैंने मेरी बात सुनो, मैं आपकी वो स्लोमो बनाता हूँ, उधर से आओ जाओ। हाँ इधर से आपने आपकी सलोमो बनाऊं फिर?
हाँ मैं आपको बोलूंगा फिर आपने आना है, ठीक है। हाँ चलो जी, मैं इनका स्लोमो बना रहा हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर करता हूँ कि इसका सीन का स्लोमो, आपने रहना है साथ। तो ये दोस्तों आपने देख लिया इनका स्लोमो दोनों का, ये जो है स्लोमो की बहुत शौकीन है, स्लोमो बड़े शौक से बनवाती है। हाँ बस बस अब आपका स्लोमो, हाँ आपका स्लोमो आ गया है, अब बस करो। हाँ अब आप लोगों का स्लोमो आ गया, ठीक है। हाँ ओके हो गया ये। इनका जो है शोर पड़ जाएगा, इनका जो है ना, ओ बस बस शोर नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश बैठे हो? हाँ जी। मौज लगी हुई है? मौज नहीं, मौज नहीं लगी हुई। सुत्ते पे मौज लगी हुई है? सुत्ते पे मौज लगी हुई है। अंधेरे में थे इसलिए मैंने रोशनी की है। अभी और रोशनी में क्या मतलब? रोशनी में आप मुझे नजर आ रहे हो ना आप। अच्छा अच्छा, इसलिए। आज आपकी रजाई वगैरह कहाँ है? उधर पड़ी है। उधर पड़ी? अभी नहीं शुरू की है पहनना, बस सिर्फ टीवी देख रहे हो? हाँ जी टीवी देख रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। लगता है आपको सर्दी लगी हुई है ऐसे ना? बस ठंडा गति गे ना बाल अंदर वाला से आगे चल। अच्छा हाँ, मुझे लग रहा था कि आपको सर्दी लगी हुई है, जो ऐसे सोई पड़ी हो आप। हाँ जी। और अमीना जान, अमीना आज आपका गुस्सा उतर गया? अब आपको गुस्सा नहीं है? रात ही तब मेरे को उल्टी जला लगे थे। आपको अब गुस्सा नहीं है? अब आप खुश हो? गुस्सा हो जाता है। हो जाता है? अल्लाह का नाम लो। अच्छा एक गाल बता। नहीं बताता मैं ना। हाँ पर क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मुझे एक पैसे का पैसा। हाँ मैं अब पैसे कमाऊंगी, मेहनत मजदूरी करूंगी, फिर सुनारे के पास जाकर वो जो पाजेब होती है वो वाली पहनूंगी। वाह जी वाह। अच्छा बात सुनो, पहले पहले मेरी बात सुनो। इस्लामाबाद से है भाई अकबर भाई, वो कहते हैं आपको क्या दूं मैं? आपको सरप्राइज? सरप्राइज वो कहता है आपको सरप्राइज क्या दूं? अधिकाल हाथ जोड़ा पास। अकबर भाई ये सरप्राइज है, आज काला जोड़ा पास आदि पर भाई। नहीं वो इधर देखो ऊपर, आज मुझे भूख लगी नहीं। आज वो कहता है आज काला जोड़ा पास थोड़ा सुरमा का काली फरमाइश, काला जोड़ा पास थोड़ा सुरमा ही पा। हाँ जी अकबर भाई आप सुन रहे हो ना, देख लो अमीना के काम। आज मैंने किया। हाँ। आज जितने अलीपुर जाके ना। हाँ। आज गड़ी आ गई स्टेशन पे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ बात सुनो, अकबर भाई बोलते हैं आपको क्या सरप्राइज चाहिए? कपड़े। कपड़े है बस? तेरे सूट गिरने। मेरे नहीं, आपको आपको क्या चाहिए? मेरे को? हाँ। आज यार शक्कर खंडी खवा दे। मैं अकबर भाई की बात कर रहा हूँ। अकबर भाई कहते हैं आपको क्या चीज गिफ्ट करूँ? क्या दूँ आपको? गिफ्ट क्या दे? अंगूठी, सुरमा, शक्करकंदी। अकबर भाई इसके काम अनोखे हैं, आपको गिफ्ट की कहा गिफ्ट बोला है, शक्करकंदी का नहीं बोला है। आपने शक्करकंदी का पेंटिंग बोला है कि नहीं? अकबर भाई बोलते हैं आपको गिफ्ट क्या दूँ, सरप्राइज क्या दूँ? पांच खल्ले। अम्मी जान आज ये इसका जो है मूड बिल्कुल ना अजीब हो गया, या तो गुस्सा करती है या अब दूसरे पांच खल्ले मारो। बात
आपको पाकिस्तान झूठ बोला एक कत्ल कर देता हूँ पुलिस अरे अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अब देखे इसके काम ये गिफ्ट इसको ये चाहिए अब आज मैंने क्या अमीना अब बात सुनो मेरा गला खराब हो गया है आज खांसी खा खाते और मुर्गी खा खाते और पल्ला तो वही हाँ मैं पल्लिया पे मोटा हो गया हूँ अब कुकर बच्चा बन गई कुकर का बच्चा नहीं हूँ अम्मी का बच्चा हूँ कुछ ख्याल करो वो अकबर भाई बोलते हैं कि आपको गिफ्ट और सरप्राइज क्या चाहिए कुकड़ी नहीं गिफ्ट क्या चाहिए आपको कुकड़ी कुकड़ी गिफ्ट होती है नहीं आपको गिफ्ट में कौन सी चीज पसंद है जो आपको मेरे चाहिए पसंद ले आओ एक खाऊंगा शरबत शरबत मैं गिफ्ट का पूछता हूँ कभी आप कहती हो मुझे पांच खल्ले कभी कभी कुछ कभी हाँ जी और ना तेरे मोबाइल आवाज आ रही है मेरे मोबाइल च आवाज आ रही है तू जब उठे गई मुंशी कहता है भाग 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 और टूटता फिरता रहे अच्छा बात सुनो आप पूरी बात नहीं बता रही क्या वो भाई जो पूछता है भाई कहता है कि अमीना मेरी बहन से पूछो मेरी अमीना बहन से पूछो उसको क्या चाहिए क्या गिफ्ट दूं अकबर भाई आप सुन रहे हो ना इसका माहौल क्या कह रही है कभी जूते कभी अब भी कुछ जो बोला है कि जो आपका दिल करे वो ले लो तो अब आपकी मर्जी है बाकी इससे पूछता रहना इसने अपनी अपनी सुनानी सुनाते रहना है ऐसे आप उसका जो दिल करे वही करे हाँ जी भाईजान आप जो भी उनकी अम्मी उनकी अम्मी फौत हो गई है उनका अबू है नहीं नहीं वो इस्लामाबाद रहता है वो उधर से इस्लामाबाद रहता है कहता जरा बोलता है नहीं नहीं अकबर भाई अकबर भाई हाँ अकबर भाई वो इस्लामाबाद रहता है चला गया अकबर भाई सच है ना अपनी बेगम लेकर आप चले गए ना अब देखो अमीना खुद बोल रही है कि वो अपनी बेगम लेकर चला गया चलो कोई बात नहीं मैं उनको बोल दूंगा जो आपका दिल करे वीडियो भी देख लेना अमीना बोल रही है जो दिल करे वही भेजना कपड़े और सूट एक जूती एक बाज बुज्जा प्यार से बोलते बोलते पहले एक सूट कपड़ों का एक जूता एक बुज्जा अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह मुंशी कहता है अबे पठान बोल और जे डॉलर विंटर करता है नहीं आपने सारा माहौल खुद अजीब कर दिया है और देखो डॉलर का मुकाबला करते चले गए ये आपका गुस्से के बाद ऐसा रूप निकलता है हाँ जब बात सुनो मुंशी मुंशी हाँ जब आप मुंशी टिड्डा भाग रहा है मुंशी टिड्डा कैसे आला अच्छा जब आप गुस्सा करती हो
गुस्से के बाद आपका ऐसा रूप निकलता है फिर? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ दुनिया में पहले आप आई थी या अम्मी आई थी? अम्मी। फिर कौन आया? डॉक्टर तो समीना आए। अच्छा फिर कौन आया? अच्छा जब बात सुनो जब अम्मी की अब्बू की शादी हो रही थी, आप उस वक्त कहाँ थी? सिद्धरापेटी के घर थी। अच्छा ना। अच्छा अच्छा, ये बताओ मेरी शादी पे आप कहाँ थी? मेरे ख्याल तो बस बस वाले को जाते बस शादी की ताज है। हाँ। और जो उधर तेरे शहर न पता है ना। हाँ, मैंने सेहरे पहने थे। हाँ, उधर एक दूल्हा को प्यार का तो भजा गया, बस चल गई। हाँ, बस पे। इतना इसको याद है, जब मेरी शादी हुई थी तो ये भी थी, तो बस पे गए थे, तो इसको ये याद है कि तुमने सेहरे पहने थे तो बस पे गए थे, तो वो फिर बातें करती रहती है, इसको वो याद है। इतनी पुरानी पुरानी बातें याद है इसको। हाँ, अच्छा ये बताओ। हाँ। अब्दुल गफ गफंगम सिंह ऐसे इधर बात सुनो, बोलो बोलो अब्दुल गफ गफंगम सिंह गफंतन सिंह नहीं अब्दुल गफ पीपल को बोलते हैं नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो। अब्दुल गफ गफंगम सिंह गफंतन सिंह। अच्छा बोलो शापर। अच्छा ऐसे अच्छा ये बोलो इसको ना, कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो नहीं आते, बोलो लिफाफा। लिफाफा वही, तो लिफाफा बोल रही है, नहीं तो पहले बोलती थी लियाफा। अच्छा अच्छा बात सुनो, ये क्या है? मेरा सूट है। तेरा सूट है? हाँ जी। अच्छा ये मैं अली पर पार्ट गई ना। हाँ। और भाई मोसे कहता है इन्हें को ना पकड़ा करो, उसे गरीब बंदन है, इसको ना पकड़ा करो। अच्छा ये मैं शापर ले जाऊं ना? मैं ले जाता हूँ बाहर। वो यार पबेन क्या दी तेको पबेन आपका। मैं बात सुनो, आपका मैं भाई हूँ, आप यार नहीं बोला करो, गुनाह होता है। ओ ना। ठीक है, आप मुझे अल्ताफ भाई, बात सुनो, आप बोला करो अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई मेरा भाई है। हाँ तेरा भाई हूँ ना, तो फिर ये मैं तेरा भाई हूँ ना, मैं ये ले जाऊँ फिर शापर। तेरी अम्मी मार से? अम्मी नहीं मारती, वो अम्मी कहती है। अम्मी अच्छा मैं ले लू ना, हाँ मैं ले लू ना। ये चीज है जो इसकी दो, ये एक शापर, ये देख लें ये वाला शापर, अगर किसी के अंदर इतना दम है आकर ये शापर ले ले, मैं उसको मिठाई खिलाऊंगा। ये इससे शापर ले जाए और खैर खुशी से ले जाए, इसका शापर इतनी ऐसे समझो इसकी जैसे वो बादशाह वाला हिसाब था कि बादशाह की जान तोते में थी, तो इसकी जो जान है इस शापर में है। अगर इसका शापर उठाओ इसको पता चल जाता है, चाहे जहाँ भी हो फिर पूरा रोला करते हैं। ये फिर शापर मैं आपका ले जाता हूँ? नहीं देती, नहीं देती। इसका यही होता है कि ये शापर इसकी जो है जान है, और इसका एक संदूक है वो भी, ये दो चीजें ना इसकी पर्सनल कोई नहीं उठाता। चलो ठीक है, आप अपना काम करो, मैं तब तक ना उधर से घूम फिर के आऊं। ठीक है, इधर नहीं आता, इधर नहीं आता। चलो ठीक, पुलिस आए थे, डंडा मारते हैं। मुझे पुलिस वाले क्यों डंडा मारते हैं? अच्छा अलीपुर कहती है कि अलीपुर क्या करने गए थे इसलिए पुलिस वाले तुझे डंडा मारेंगे। आज अकबर भाई आपने सुन लिया ना इसकी बातें कैसी कर रही थी। और बैंगन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। खैर मुबारक। रोजे मुबारक। तरावीह मुबारक। सेनिया मुबारक। खैर मुबारक। बोलो पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी आज अम्मी आई थी ना। हाँ जी। तो इसलिए आपकी ईद हो गई। बिल्कुल ऐसे ना। हाँ जी। अच्छा ये किसके कपड़े हैं? ये पराए कपड़े हैं। मैंने कौन सा समझा कि अपने हैं? ये डिजाइन खुद बनाया है? कौन सा डिजाइन? ये ऊपर जो है ब्लैक, ये काला डिजाइन नहीं है, ये तो लैस लगाई है। अच्छा लैस भी, फिर भी ये निशान ऊपर जो है ना ये वाले, हाँ
ये पहले से बने ये होते हैं तो कपड़ों पे होते हैं यार। अच्छा चलो सही हो गया। और दूसरा आपकी मशीन ये ठीक हो गई है? हाँ। हाँ जी ये वाली थी कल जो इसको बना रही थी, ये वाला ये लगाई है। दूसरा वो मोटर जो है, एक सिस्टर बोल रही थी कि आपकी मोटर थी तो मोटर जो है आप लगा लो, ये क्यों लगाई है? तो मोटर इसकी जो है वो खराब हो गई है, पता नहीं सड़ गई है, जल गई है, पता नहीं क्या हुआ है, वो खराब हो गया, इसके लिए फिर ये हत्थी लगा ली। तो आप बोल रहे थे कि ऐसे फिर हाथों पे जोर लगाओगी तो वो लगे रहने देती, लेकिन वो उसकी मोटर ख़राब हो गई है। इनकी चीज़ें आप तो लोगों को पता तो है, छोटी छोटी चीज़ें जो है अचानक से बिजली का भी हिसाब होता है, ख़राब हो जाती है। बाकी इधर अब लगी हुई है इन कामों में। और कोई नात न्यू नात याद की है आपने? अभी कर रही हूँ, याद हो ही नहीं ठीक से। चलो फिर जल्दी से नात याद करो। हाँ, तब तक मैं कोई ऐसे घूम फिर लूँ, फिर आपसे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से। हाँ भी माशाल्लाह ठीक है, और हमारे घर में भी सब ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। और जो है ना आज माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी आई थी अम्मी, तो बिल्कुल मामा ठंडिया छावा। यस यस यू आर राइट। मिसबा सिस्टर आप परेशान थी, आप बोल रही थी कि भाई मेरा नाम नहीं लिया तो मैं आपका नाम ले रहा हूँ। मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है मिसबा सिस्टर, जो मुझे कमेंट्स करती रहती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बताती रहती है। तो मिसबा सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आपका नाम वीडियो में ले लिया है। एक और सिस्टर है उसका नाम मुझे भूल गया है, तो उनकी है शादी, तो वो बोल रही थी कि मेरी शादी होने वाली है, बस एक हफ़्ता रहता है, तो आपने दुआ करनी है कि मेरी शादी खैर खुशी से हो जाए। तो मेरी प्यारी स्वीट सी बहना, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। मैं भी दुआ करूंगा, घर वालों को भी बोलूंगा कि अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे और आपकी शादी जो है अच्छे से हो जाए, और हमेशा खुशी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा फूलों की तरह। हमारी दुआ है आपके लिए ऐसे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ सिस्टर बोल रही थी कि मेरे लिए दुआ जरूर करनी है। सलमा सिस्टर से भी बोलना और अमीना सिस्टर से भी बोलना। मेरी भी बहुत प्यारी सी आपी है, बड़ी आपी यूके में रहती है, तो उसके लिए भी दुआ मैं भी कर रही हूँ और आपने भी करनी है, सब बहन भाइयों ने भी करनी है कि उसके जो है ना उस वो जो है ना उसके घर में जो भी मुश्किलात हैं रोजी के, मतलब के नौकरी के, जैसे कि उसके बेटे का अच्छी जॉब लग जाए, उसकी बहू की जो है ना वो उसका वीजा लग जाए, बहुत परेशान है, अल्लाह पाक उसकी तमाम परेशानियां दूर करे। बहन भाइयों से जो है ना छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने जो है ना उसके लिए जरूर दुआ करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन इंशाल्लाह। तो जी अब सबका नाम ले लिया है जो मेरे जहन में था, बाकी जो है जैसे आएंगे इंशाल्लाह फिर ले लूँगा। और आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब इस चीज़ पे नाराज़ ना हुआ करें कि हम कमेंट्स आपके नहीं पढ़ते। कमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन वो होता ना कि आपको पता है काम के बाद फिर ऐसे वीडियो वगैरह बनाना, तो फिर वह जहन में नहीं आता। अमीना का जैसे माहौल बन जाता है तो वो फिर सारा दिमाग ऊपर नीचे हो जाता है, तो भूल जाते हैं, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। बाकी जैसे जैसे आता रहेगा मैं आप सबके नाम पढ़ता रहूँगा। वो एकदम ही एक वीडियो नहीं बनती, अगर एकदम वीडियो बना दूँ ना तो वो फिर बहुत सारे बहन भाई हैं वो कहते हैं कि आप ये व्लॉग तो है नहीं, ऐसे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो वो फिर मैं खुद भी इस चीज़ को नहीं, अगले बंदे हमारा व्लॉग देखें इंतज़ार में तो ऊपर से सिर्फ हम बैठ कर बातें करें तो वो नहीं होता, ये तो बातें हर कोई कर लेता है। इसलिए फिर मैं कहता हूँ थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए, सब माहौल हंसी हंसी हो और देखने वाले का पेट दर्द करने लग जाए। हमारा ये मकसद है कि वो खुश रहें हमारी तरफ, हमारी वजह से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, मेरे लिए यही काफ़ी होता है ऐसे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। हाँ चलो ठीक हो गया, मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत से जो है ना बहन भाइयों को खुशी ना मिले फिर तो ये अच्छी बात नहीं है ना। हाँ जी बिल्कुल, हम कोशिश यही करते हैं कि बहन भाइयों के लिए अच्छा माहौल बनाए, अच्छी हंसी मजाक बनाए, ताकि आजकल का जो मतलब दौर चल रहा है टेंशन का दौर, हर इंसान को टेंशन होती है, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी, तो इस तरह जो है ना 20 मिनट के लिए भी सही उसका जो है ना दिल खुश हो जाता है, तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल यही तो है, हम इसलिए आप सबको हंसाते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं कि हमेशा प्यार बांटे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सबके साथ आप भी ऐसा रवैया रखें कि अगला बंदा गुस्सा कर रहा है तो उसको ऐसा लहजा दें अगला बंदा फिर हंसने लग जाए, ऐसा माहौल बनाए। तो मेरा भी ऐसे हाल होता है कि मैं कोई बंदा गुस्से में हो, कोई परेशान हो, तो मैं खुद परेशान ज़्यादा हो जाता हूँ, छोटा सा दिल है मेरा। इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि सबके साथ हंसी मजाक करूँ, चाहे उनका मूड ठीक भी नहीं, चाहे जैसा भी है, कि उनके चेहरे पर एक दफ़ा मुस्कुराहट आ जाए मेरी। मुझे वो जैसे इंडिया वाले बहन भाई बोलते हैं कि सफलता मिल जाए, मुझे वो सफलता मिल जाती है। इसलिए ओके हो गया, मैं आप नाच याद करें। हाँ जी। बाकी रूटीन फिर शेयर करते हैं इंशाल्लाह, जरूर। ओके हो गया। हाँ वे सदके आपके जूता ले आऊंगा सुबह, ठीक है? अभी ले आऊं।
नहीं मेरी जान, कल ले आऊंगा। गुस्सा कर रही है मेरी परी। आपका जूता जो है मैं कल ले आऊंगा, ठीक है? वे सदकी। परी ने मुझे बोला कि मैं असल में चौक पे गया था, थोड़ा सा काम था, तो इसने बोला मुझे जूता लेके दो। तो मैं गया, मैंने कहा मैं जूता ले आऊंगा। उधर गया तो वो शॉप बंद थी, तो अभी जो है ये भागती आई, इसने देखा तो बोली कि मेरा जूती ले आए हो, जूती ले आए हो। आपकी जूती नहीं आई, बात सुनो, बात सुनो, आपकी जूती ना मैं कल लेके आऊंगा, ठीक है? ठीक है, हाँ कल आपके लिए नई नई नोनी नोनी जूती ले आऊंगा। इसका जो जूता जो है वो लेना है, तो इंशाल्लाह वो फिर कल, अभी तो शॉप बंद थी। अभी कल तो बोला कि मैं लेने जा रहा हूँ, फिर आप तो उसके साथ ही जो है ना धोखा कर लिया ना परी के साथ। धोखा, परी के साथ धोखा हो गया। ओए होए, परी आपके साथ धोखा हो गया। हाँ जी बाबा। हाँ जूती गिरना वहाँ। चलो मैं तेरी जूती ले आऊंगा, ठीक है? हाँ आप नाराज नहीं हो, ठीक है? हाँ बोलो, क्या बोलो? कौन सी? इसको क्या हो गया है? चैन तो है पड़ी। इसके क्या है, कुत्ते मुक गए? वो कुत्ते कहाँ से आ गया? बाहर गली में फिरता है, कुत्ता पकड़ के डाल दो उसको अंदर। वो कुत्ता, वही तो कुत्ता कह रहा हूँ, बाहर होगा ना कुत्ता, वो पकड़ के इसके अंदर। हाँ वो चैन वाला कुत्ता होता है, इसके अंदर फंसा दो। कुत्ते कुत्ते की होती है ना। हाँ? 300 लगेगा, फिर ठीक है, तनख्वाह मिलेगी फिर ले लेना। और इधर किसकी कॉल आई हुई है? सिस्टर ने वीडियो कॉल की है, तो मेरे से ना उन्होंने वीडियो कॉल की है। मेरे को पता नहीं चल रहा था कि कौन से बटन को दबाए और उसका जो है ना चेहरा नजर आए। वाह जी वाह। और इसके काम देखो परी, बस करो बस करो, शोर नहीं करो, वीडियो कॉल का भी नहीं पता, वो फिर बात सुन लो उनसे। परी नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं करो, शोर नहीं करो। चोरी चोरी चाय बिस्किट, इसलिए तो मैं लुका रही थी। छुपाई भाई कहेंगे कस्टर कह रहा टाइम रात के टाइम, ये देखिए बिस्किट और चाय, मैंने छापा डाल दिया है। अब आज आपको पता है ना, आज वो दोपहर को चिकन खाया था ना अभी, हाँ, शाम को, हाँ, इतना भूख नहीं थी तो फिर हमने कुछ बनाया नहीं, बस यही था अभी चाय बिस्किट के साथ गुजारा कर ले, तो बिस्कुट ले लेते हैं। मीठे का मूड था ना। सही सही, तो इसलिए चोरी चिकन नहीं 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 नहीं, अब तो नहीं खाना मैंने। क्यों, ये कौन सा सुपर है? नहीं ये तलखी करता है मैदे में, बेकरी का ब्रांड वैसे भी मैदा। मुझे यही अच्छा लगता है। फिर आप नीचे क्यों बैठी हो? मैं चाय पहन के सबको दे रही थी, इसलिए ठंडा है। ठंडा तो है, ऊपर बिस्तरे में डल जाएगी। अच्छा अच्छा चलो जी, और अंदर कौन है? अंदर वो पाए हैं, अंदर वो, इनके काम देखो, अल्लाह माफी, सर्दी में भी पंखा चलाया हुआ है। ये ना जिशान शूज धोया है उसको सुखा रहा। जूते सुखा रहे हो जी? वाह जी वाह, मैंने कहा ये क्या पंखा चला हुआ है, और इधर सेटअप बना लिया है अपना कंप्यूटर वाला। मेरा नहीं है इसका, अभी मैंने इसको बना के दिया, दो दिन इसने यूज किया, फिर गेम्स डाउनलोड करता है नेटवर्क से, फिर खराब कर दिया। अच्छा सही सही, ये तो वैसे भी गाला भोला है। इधर देखो गाले भोले। वो खामोश हो के खा रहा है बस, बिस्किट खंजी पे खा दी गया है, बिस्किट खा रहा है। आपके चाचू ने पापा पापा ये बैठा है। किसी दिन पता करो कोई बेकरी से, जिंदगी में मैंने एक बार बिस्कुट खाए थे, उसमें होते हैं दूध और अंडा। दूध और अंडा, दूध अंडे वाले खुले बिस्कुट होते हैं, हाँ। पैकिंग में भी नहीं होते, हाँ। खुले होते हैं दूध और अंडे वाले। सही। तो वो मुझे उस वक्त से लेकर आज तक नहीं मिले, 15 साल पहले। कहाँ मिले थे वो?
इधर मिले थे या अपने जो ही मिले में जब रहते थे ना वहाँ, फिर अपने जो रिश्तेदार वगैरह उधर के लोग थे लड़के मेरे हम उम्र, वो कोई बेकरी में काम करते थे, तो फिर वो एक जो है ना लड़का मुझे लेकर गया था बेकरी में। अच्छा, तो फिर बेकरी पे उसने मुझे खिलाए थे, उसके बाद वो अब तक मैंने नहीं देखे ना। इधर तो बहुत मिलते हैं बेकरियों पे, यहाँ जो चौक पे बेकरियां हैं उनके पास खुले बिस्किट है। दुकानों पे ले जाओ तो दुकानों पे नहीं, वो लड़का मुझे कह रहा था कि ये जो माल बेकरी वाला है, बेकरी वाला, हाँ वो है बेकरी वाला आइटम, खुला होता है वो, किसी पैकिंग में भी नहीं होता, खुले होते थे। हाँ ये भी इधर बेकरी वालों के पास खुले पड़े हैं, वो किलो के हिसाब से देते हैं। हाँ वो ऐसे मिलते हैं किलो के हिसाब से। हाँ इधर, लेकिन वो तो लड़का कहता था ये फिर इधर नहीं मिलेंगे, ये तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ पे भेजते हैं, ये स्पेशल माल वो इधर आते हैं। ये तो बड़ा शहर है, वो तो गाँव में था हिसाब, इधर बड़ा शहर है, खानपुर में मिल जाते हैं, इधर भी अपने चौक पे भी मिल जाएंगे खुले बिस्किट। मैं लेके तो आता हूँ, पता नहीं आपने खाए हैं या नहीं। वो तो दूसरे सूजी वाले होते हैं, लेकिन वो जो है ना उसमें अंडे की महक भी आती है, और पता नहीं वो मक्खन के देसी घी वगैरह भी डालते हैं उसमें, बड़े इम्पोर्टेड वीआईपी होते हैं। चलो वो तो आपने भी कभी जिंदगी में नहीं खाए होंगे। चलो मैं चेक करूँगा बेकरी से, पता कराऊँगा कि अगर हैं तो फिर वो ले आऊँगा, देखते हैं कौन से हैं। चले बिस्कुट तो नहीं खाया, चाय पीनी है, बहुत ही जबरदस्त है। नहीं 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 नहीं, मेरे को अभी लेट है, खाना लेट खाया तो फिर लेट चाय पीऊँगा, अभी तो टाइम बहुत नज़दीक है। अभी टाइम देखो कितना है, टाइम 7 बजे हैं तो 7 बजे मैं अभी नहीं, मैं तकरीबन 11-12 बजे चाय पीऊँगा। मर्जी है आपकी, फिर ना कहना मुझे सुलह भी नहीं की। नहीं सुलह वाली बात नहीं है, चोरी छुपे लग गए तो या तो सुलह होती कि नीचे से मुझे बुलाते, अभी मुझे देखा तो जल्दी से बिस्किट साइड पे कर रही थी। जी क्यों ना, मैं इसलिए साइड पे कर रही थी, बहन भाई कहेंगे सुबह सुबह तो हर की खाता है शाम को खा। नहीं पेट तो भरना है। आप क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। फिर इधर से देख क्या रहे थे? कुछ नहीं। चलो सही हो गया, चलो जी चलते हैं फिर नीचे, नीचे का भी और बाहर का माहौल, रात का अंधेरा, दिसंबर की रातें। अलिशबा का फीडर कहाँ है? वो तो पी रही है। नहीं ले आ, दूसरा पी रही होगी वाला। अच्छा मैं देखा वो पी रही थी, लेकिन ये फीडर मैं पी लेता हूँ फिर। चलो जी चलते हैं फिर नीचे, इनका माहौल देखना था, ये देख लिया आप लोगों पर दिखा लिया, अब नीचे जाते हैं। अब बेगम साहिबा की जो है कॉल आई हुई है, तो वो कॉल पे लगी हुई है, अमीना से बात कर रहे हैं, पत्नी कौन सिस्टर है, जाकर देखता हूँ। तो ओहो अकबर भाई के घर से आई हुई है कॉल, चलो चलते हैं फिर, ये फीडर पीते हैं हम लोग, जब तक वो बात करेंगे तब तक मैं फीडर पी लूँ, सुकून कर लूँ। सलमा सलमा बात सुनो, बात सुनो, बात ये है के साग पका हुआ है। हाँ। साग रखा हुआ था। जल्दी से बोलता है। अच्छा बात एक 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 बात बतानी थी आपको, एक एक। हाँ जी बताऊं? हाँ बता दे। बात ये है, हाँ जी, मेरी शक्ल का बंदा मिल गया है। आपकी शक्ल का? हाँ। वो कहाँ से आ गया? सेम मेरे जैसा बंदा है। अच्छा। सिस्टर ने कमेंट्स किया है, कराची में रहता है, कहती है कि बिल्कुल हमारे सामने गली में। अच्छा। एक बंदा रहता है सेम आपकी तरह है, बाल भी आपकी तरह, चेहरा भी, और बातें करने का स्टाइल सब कुछ आपकी तरह है। अच्छा तो फिर चलें देखने। नहीं मुझे नहीं जाना। ये डर रही है कहीं वो रिप्लेस ना हो जाए, मेरी जगह वो ना चला आए, इसलिए। नहीं यार मेरे साथ है, मुझे और किसी को नहीं देखना। मैं तो देख लूं कि मेरा कोई बचपन का लंगोटिया जैसे वो था मेले में गुम होने वाला मेरा भाई ना हो, इसलिए वो। नहीं नहीं आपका भाई कोई गुम नहीं हुआ था। हाँ। तो आप ये दो भाई हो और कोई नहीं है, और उसको ना देखो सही है, कहीं वो जो है ना वो आप गुम हो जाए, फिर वो आ जाए, वो बोले हाँ मैं अल्ताफ हूँ, मैं अल्ताफ हूँ। हमारा नहीं, क्या हो गया? वो अगर आप ही जाए ना, अगर वो वीडियो देख ला है, सिस्टर जी आप उसको वीडियो चाहे दिखा देना मेरी, उसको बता देना कि ये देखो आप जैसा बंदा है। तो मेरा जो है कि उसका और मेरा चाहे फेस चेहरा सारा कुछ एक जैसा हो, लेकिन मेरे जो मुझ में चीज़ें हैं वो उसमें नहीं है, ये मुझे परफेक्ट पता है, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक ऐसी बात होती है कि जो किसी में नहीं होती,
हर बंदे में आप हो, आप में ऐसी बात होगी जो किसी में नहीं होगी, सलमा है उसमें भी कोई ऐसी बात होगी जो किसी में नहीं होगी, इसी तरह अल्लाह पाक ने हर बंदे में एक ऐसी खूबी रखी है जो किसी में भी नहीं होती, वो उसी बंदे में होती है। तो कोई नहीं, मैं तो खुश हो रहा था, मैंने कहा चलो चलते हैं देख आते हैं, लेकिन आप तो पहले टाइम टाइम फिस नहीं, आपको पता है मैं डरती हूँ इसलिए कोई भी कहता है ना कि हमारे घर आ जाओ तो मैं कहती हूँ नहीं, उधर उसके गरम अंडे वाला आ गया है। हाँ जी, अंडे खाने हैं? नहीं, क्यों? गर्मी लगती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखिए आपने जो है ना, आपने जर्सी पहनी हुई है। हाँ। मैंने कुछ नहीं पहना हुआ क्योंकि मुझे गर्मी। अंडे खाती हो? जो इनसे इंसान काम करे ना। हाँ। जो फ्री बैठा होगा ना उसको ठंड लगेगी, जो सारा दिन काम में लगा रहे ना तो। इसका मतलब हम निकम्मे हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप निकम्मे नहीं हो। मैं परी की आवाज सुन रहा था, परी इधर थी, वो बोल रही थी गर्म अंडे। परी को बुला के आओ, उसको बोलो अंडे बोले, वो मजे का बोल रही थी, जैसे बोल रही थी ना कि गरम अंडे, बड़ा प्यार से। मैं अंदर बैठा था, सुन रहा था उसकी बातें। तो नात कोई है? एक सिस्टर बोल रही थी, एक सिस्टर थी या भाई था, वो बोल रहा था कि मेरी अम्मी को आपकी नात जो आपने कल सुबह पढ़ी थी ना, वो नात हमें बहुत पसंद आई मेरी अम्मी को, वो कहती है एक बार पूरी पढ़ के सुनाए। कौन सी वाली? ये पता नहीं, कल थी या परसों थी, आपने कोई सुनाई थी जो सुबह को सुनाई थी? हाँ। सुबह को तो मैंने दो सुनाई थी। कौन सी? एक तो मैंने ये सुनाई थी कि कैसे कैसे बोलो, कैसे बोलता है वो? जोर से या हाथ निकाल के बोलो, जैसे वो जोर से बोलता है ना वैसे जोर से। गरम अंडे। हाँ जी, ये गरम अंडे। आप अंडे बेचती हो? कहाँ है अंडे? ये अंडा है। चलो जी, अच्छा नात कौन सी थी? एक थी, एक तो मैंने ये पढ़ी थी जो काफी बार मैंने जो है ना सुनाई है, वो बहुत सारी माए बहने हैं जो है ना बार बार कहती है तो सुनाती हूँ, वो जो पढ़ती हूँ, जो मैंने शुरू शुरू जो पढ़ा था तो सब बहन भाई जो है ना वो ऐसे जो है ना फिर बोला कि आप नाते पढ़ा करो, जो पहले पहले मैंने सुनाई थी। अच्छा चलो, वो क्या कहते हैं, हाँ मुझको दर पेश है फिर मुबारक सफर, एक ये वाली थी। हाँ। एक तो तीन चार दिन पहले मैंने सुनाई थी वो। नहीं, वो कल की कहते हैं, सिस्टर बोल रही थी, कमेंट्स आया था, बोल रही थी कि आपने कल सुबह जो नमाज नात पढ़ी थी ना, हम मेरी अम्मी को बहुत पसंद आई। वो बस यही थी। यही थी। हाँ, मुझको दर पेश है। हाँ जी। सिस्टर जी अगर यही नात है तो इंशाल्लाह फिर सुना देगी, बाकी बहुत नाते हैं। अब इसको ना कोशिश करा रहा हूँ कि सब नातें जो है ना ये याद कर ले, और नात जो है नई नई नात आप सबको सुनाती रहे, कोशिश मेरी जारी है। आपने दुआ भी करनी है कि इसका दिमाग जो बढ़ जाए, फुल तेज हो जाए, जल्दी से ये फिर सीख जाए। तो अभी जो है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप क्या करना है? अभी तक आपने नात भी नहीं सुनाई मुझे। अगर आप कहते हैं तो सुना देती हूँ, अगर नहीं सुना दो थोड़ी सी, चलो सुना दो, जो मेरे बहन भाई देखने वाले हैं ना वो फिर वो कहते हैं ना कोई चीज रह ना जाए वीडियो में, तो इसलिए वो फिर ऐसे ही सुना दो, इधर ही सुना दो, इधर ही सुना दो, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी ना। अच्छा चलो शुरू हो जाओ। राया ठहर जा मदीने वाले जान वाले आ मेरा ले जा सलाम देवी आका नु पैगाम कवि पत्थरों नु कलमा पढ़ाने वाले आ राया ठहर जा मदीने वाले जान वाले आ राया ठहर जा मदीने वाले जान वाले आ सुभान अल्लाह रब दी सो किन्नी वारी अर्जियां पाया ने साडिया ताले तक वारियां ने आया ने रब दी सो किन्नी वारी अर्जियां पाया ने साडिया ताले तक वारियां ने आया ने तुम्हें अरशां दराई तुम्हें रब दाए माई तुम्हें अरशां दराई रब दाए माई सानू रब कोलो जाके बख्शाण वालिया राया ठहर जा मदीने वाले जान वालिया राया ठहर जा मदीने वाले
ना आका दे जालियां दे नेड़े नेड़े हो के दुख मेरे दिल वाले कमी रो रो के आका दे जालियां दे नेड़े नेड़े हो के दिल में दुख मेरे दिल वाले बोली रो रो के बहुत अच्छे जी माशाल्लाह। तो जी दोस्तों हमारा व्लॉग भी यहीं पर मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय।